घर से पढ़ो कार्यक्रम में मैं सुनीता ब्लॉग रिसोर्स टीचर झज्जर से। हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि आजकल दुनिया भर में कोरोना वायरस अर्थात COVID-19 नाम के कीटाणु ने लाखों लोगों को बीमारी से ग्रस्त कर दिया है। दुनिया भर में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। इससे पहले कि वह हमारे पास आए उसे हराना होगा, परंतु हम सब उसे कैसे हराएं? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। इसे हराने के लिए हमें बार बार साबुन से हाथों को आगे पीछे व सभी जगहों से अच्छी तरह से धोना अपनी आदत में शामिल करना होगा। अपने हाथों को अपने चेहरे, नाक व आँखों को छूने से बचाना होगा। एक साफ रुमाल या तौलिया का उपयोग करके छींकते और खांसते हुए अपनी नाक और मुंह को ढकने की आदत डालनी होगी। किसी व्यक्ति से बातचीत करते हुए 1 मीटर की दूरी बनानी होगी। हमें घर पर ही रहना होगा। अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार हो तो उसके संपर्क में आने से बचना होगा। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इस वजह से हम सभी घरों में हैं, सभी विद्यालय भी बंद हैं, परंतु सभी बच्चों की ऑनलाइन स्टडी चल रही है। यह बच्चों के लिए एक नया अनुभव है। इससे बच्चों को कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों की भी शिक्षा ऑनलाइन चल रही है। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का मौका दिया गया है, जिसमें कुछ बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम, बोलने सुनने में असमर्थ, दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग से मुक्त, मांसपेशी दुर्विकास, सेरेब्रल पाल्सी व बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं। ऑनलाइन शिक्षा में बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका बौद्धिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। निसंदेह हम सब इन परिस्थितियों में बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं। ऐसे में घर पर दिव्यांग व्यक्ति, बूढ़े या कोई बीमार व्यक्ति होने पर यह मानसिक तनाव और भी बढ़ जाता है। घर पर एक ही जगह पर किसी सामाजिक कार्य के बिना लंबी अवधि तक रहना इन बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार और भी बढ़ा सकता है। इन बच्चों में साधारणतः गुस्सा करना, हिलते जुलते रहना, किसी विषय पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, जल्दी चिढ़ जाना, समस्यात्मक व्यवहार देखे जा सकते हैं। मैं इन दिव्यांग बच्चों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जबकि बच्चों का बाहर खेलना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना बंद है, इस समय बच्चों के माता पिता, बहन भाइयों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि इन बच्चों को घर पर ही कैसे मोटिवेट करें व दिनचर्या के कार्यों के साथ साथ पढ़ाई भी करवाएं। यानी कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना, पढ़ाई करवाने के लिए रूटीन बनवाना और उसे उसी रूटीन के साथ क्रियाकलाप करवाना, जैसे सुबह बच्चे को फिक्स टाइम पर जगाएं, उसे दैनिक दिनचर्या के सभी कार्य जैसे टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, ग्रूमिंग आदि की ट्रेनिंग देते हुए सभी कार्य अपनी सहायता से या मौखिक सहायता से करवाएं। बच्चे को जहां जितनी सहायता की आवश्यकता है उतनी ही दें। बच्चे को ठीक कार्य करने पर इनाम भी अवश्य दें, जैसे शाबाश, वेरी गुड, स्माइल, पीठ थपथपाना या कोई उसकी पसंद की वस्तु। बच्चों को हर रोज़ योगा व व्यायाम भी करवाएं, ताकि ये बच्चे तन से भी ठीक रहें। इन बच्चों में देखकर सीखने का कौशल होता है, इसलिए आप स्वयं भी अपने दूसरे बच्चों को भी हर एक कार्यों में इन्वॉल्व करें, ताकि बच्चा मोटिवेट होकर कार्य करने लगे। बच्चों को यह बताएं कि उन्हें घर पर ही पढ़ना है, क्योंकि उनके बहन भाई भी पढ़ रहे हैं। बच्चों को डायरेक्ट फ़ोन से ना दिखाकर स्वयं कार्य करवाएं, क्योंकि बच्चों को दूर से देखकर फ़ोन को हैंडल करना नहीं आता है, इससे उनकी आंखों पर गलत असर पड़ सकता है। बच्चों को विस्तार से व आसान तरीके से बताएं, ताकि बच्चे समझ सकें। आप साथ साथ चेक भी करें। बच्चे को स्पेस मेथड से कार्य करवाएं,
जैसे सुबह लिखने का कार्य व शाम को याद करवा सकते हैं। बच्चे को प्ले वे मेथड से पढ़ाई या क्रियाकलाप करवा सकते हैं, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं व बच्चे को कहें कि देखते हैं कौन जल्दी व ठीक कार्य करता है, कौन जीतता है। कभी कभी बच्चे को ही जीतने दें, इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बनेगा व वह मोटिवेट होगा। जब बच्चे को एक्टिविटी करवाते हुए हम बैठाते हैं तो कार्य से पहले व बाद में इंटरेस्टिंग कार्य करवाएं, ताकि उसे पढ़ाई बोरिंग न लगे। जैसे नंबर कंसेप्ट करवाना है, बच्चे को कह सकते हैं कि हम कितने लोग बैठे हैं उतने ही गिलास लेकर आओ। बच्चा गिनती भी कर लेगा कि कितने बैठे हैं व रसोई से गिनकर उतने ही गिलास ले आएगा। इसी को बाद में बच्चे की कॉपी पर स्केच से गिलास बनाकर गिनकर नंबर लिखवाएं। बच्चे को नंबर कंसेप्ट आ जाएगा। बच्चे को ठीक करने पर रिवार्ड अवश्य दें। हम बच्चों को कागज़ के नोट बनवाकर उस पर अंक लिखवा सकते हैं, उसे इस तरह पहचान भी हो जाएगी। उसके बाद घर पर ही शॉप शॉप अर्थात उन पैसों से कोई चीज़ खरीदवा सकते हैं। हर एक एक्टिविटी प्ले वे मेथड से करवाएं, ताकि बच्चे की रुचि बन जाए। इन बच्चों के साथ बहुत सारा सब्र रखना पड़ता है। पढ़ाई या क्रियाकलाप करवाते हुए गुस्सा न करें, क्योंकि इससे उसकी रुचि कम होने लगती है। आप डेली रूटीन अवश्य बनाएं, ताकि उसकी हैबिट में आ जाए। बच्चों को हर रोज़ 1 घंटा तक व्यायाम करवाना अनिवार्य है, अन्यथा स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। व्यायाम में खेलना, योग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आदि भी हो सकता है। बच्चों को इनडोर गेम भी बहन भाइयों के साथ करवाएं, उसके साथ साथ मज़े करते हुए सिखाने की कोशिश करें, ताकि उसकी रुचि बनी रहे। बच्चों को नए कौशल जैसे कलर करना, बागवानी करना, कपड़ों को तह लगाना, पौधों में पानी देना, डस्टिंग करना, अपने सामान को सही जगह पर रखना आदि करवाएं। इससे बच्चों में जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है। बच्चे की क्षमता के अनुसार ही करवाने की कोशिश करें, ताकि बच्चा कर सके। इसी के साथ ही विदा लेते हुए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ व आपके स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ। घर पर रहें, सेफ रहें।